धार शहर में मुस्लिम समाज के पर्व ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर मुस्लिम लोगों द्वारा बगैर शासन की अनुमति के शहर में निकाले गए जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल युवाओं ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया था, जहां उक्त घटनाक्रम में आरोप लगाते हुए जिले भर के दलित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंप कार्यवाही की गुहार लगाई है। धार शहर में मुस्लिम समाज के पर्व ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर मुस्लिम लोगों द्वारा बगैर शासन की अनुमति के शहर में जुलूस निकाला गया था। इतना ही नहीं, जुलूस के दौरान युवाओं द्वारा पुलिस प्रशासन पर पथराव एवं भड़काऊ नारेबाजी के साथ ही हमला भी किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया था, जिसके बाद कई सारे मुस्लिम युवाओं पर कानूनी धाराओं के तहत कार्यवाही की गई और उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू की गई, जिसके उपरांत मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा कुछ दलित समाज के लोगों को हिंदू धर्म से अलग बताते हुए उन्हें भीम आर्मी के नाम से ज्ञापन दिलवाया गया। ज्ञापन में कथित रूप से ईद मिलाद उन नबी के पर्व पर हुए पूरे घटनाक्रम में मुस्लिम समाज का समर्थन करते हुए उन पर कोई कार्यवाही को भेदभावपूर्ण बताते हुए जांच की मांग की गई। उक्त घटनाक्रम में आरोप लगाते हुए जिले भर के दलित समाज जनों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर एक ज्ञापन दिया गया और समाज के नाम से शहर की फिजा बिगाड़ने वालों के समर्थन में ज्ञापन देने वाले लोगों को षड्यंत्रकारी बताते हुए ईद मिलाद उन नबी पर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही का समर्थन किया गया। आज हमने हरिजन समाज द्वारा ज्ञापन दिया यहाँ पे। कल भीम आर्मी के बहरूपयोग द्वारा हमारी समाज को बदनाम करने के लिए जो ज्ञापन दिया था, उसका हम खंडन करते हैं और प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसका हम समर्थन करते हैं। जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। योगेश, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद।